अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चने का पुलाव। मैंने तकरीबन जो है वो आधा किलो जो है वो चने लिए हैं और उनको जो है वो मैंने पानी में भिगो दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इनको भिगो के रखने हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियानी प्याज काट ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, 2 अदद दरमियानी टमाटर, और इसके अलावा आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच जो है वह धनिया का पाउडर लेना है आपने, साबुत गरम मसाला लेना है, 1 इलायची लेने और साथ में थोड़ा से 1-2 लौंग लेने, बाकी काली मिर्च लेने। मिर्चें मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की हैं क्योंकि मुझे इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कम भी ले सकते हैं जी। तो तकरीबन जो है वो 2 डोंगी ऑयल के साथ मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, 2 दरमियाने जो मैंने काटे थे, और इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देने हैं गरम मसाला, जितना भी हमने साबुत गरम मसाला लिया था वो डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन जो है वो जब प्याज आपको लगे कि ब्राउन हो गए तब आपने इसके अंदर डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसको अच्छे से भूना, फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर के गल जाने के बाद जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चने। शामिल करने के बाद उसको थोड़ा सा भूना और उसके बाद हम इसके अंदर अपने तमाम मसाला जो डालेंगे बारी बारी। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। तमाम मसाला जार डाल के हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। अब जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो मैंने इसके अंदर जो है वो पानी शामिल कर दिया है, ठीक है। पानी शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा पकाया और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। चावल मैंने तकरीबन जो है 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। चावल जो है वो डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी। जैसे आप सबको ही पता है कि चावल को हम डाल के कैसे पकाते हैं, उसी तरीके से आपने इसको पकाना है जब तक जो है वो चावल ना गल जाए। पानी का अंदाज़ा भी आपने ख़ुद रखना है जैसे कि आपको पता होगा, और चावल कितनी देर भी भिगोने वो भी आप लोगों के घर का अंदाज़ा है। अब मैं शामिल करूँगी जैते का रंग। कुछ लोग नहीं भी शामिल करते लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसको चावलों के ऊपर डालूँगी। तो जैते का रंग जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट का दम लगाएंगे जी। तो 10 मिनट के बाद हमारी ज़बरदस्त से जो है वो चावल तैयार हैं। ये देखिए, मैं आपको अच्छे तरीके से मिक्स करके दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार बने और कितना प्यारा कलर आया, मज़ेदार, और इनका जायका भी बहुत ज़बरदस्त था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आपको पसंद आई ये रेसिपी या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।